और अब बात सनातन धर्म की ताकत की, और यह खबर स्यूडो सेकुलर गैंग के लिए बेहद तकलीफदायक हो सकती है, क्योंकि पिछले दो दिनों में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं व्यूअर्स। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जय सियाराम के नाम का जयकारा लगाते दिखे, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने यह कह दिया कि इस्लाम तो महज 1500 साल पहले ही आया है, लेकिन हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, और मुगलों के राज में भारी संख्या में हिंदू अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गए, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। लेकिन अब आपको विस्तार से पहले वो खबर बताते हैं जो सात समुद्र पार ब्रिटेन से आई है। वहां इन दोनों राम कथावाचक मुरारी बापू का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां मुरारी बापू भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। ऋषि सुनक आम श्रोता की तरह दर्शकों के बीच जाके बैठ गए। इसके बाद उन्होंने मंच पर मुरारी बापू से मुलाकात की। ऋषि सुनक ने मंच से अपने संबोधन की शुरुआत जय सिया राम कहकर की। ऋषि सुनक ने कहा कि वो यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू होने के नाते आए, और ये उस ब्रिटेन की कहानी है जहां लोकतंत्र भी है, संविधान भी है। बापू जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, और वहां आबादी भी ईसाई बहुल है। अब जरा याद कीजिए कि भारत में अगर ऐसा कुछ होता तो उसका नतीजा क्या हुआ होता। याद कीजिए जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया था तो सूडो सेकुलर गैंग ने क्या क्या कहा था। कहा गया था कि भारत एक सेकुलर देश है जी, यहां का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के कार्यक्रम में कैसे जा सकता है, यानी राम मंदिर के शिलान्यास में जाना इस गैंग को इसलिए सांप्रदायिक लगा था। लेकिन इस देश में दशकों तक सरकारी घरों में इफ्तार पार्टियां दी जाती रही, लेकिन यह इफ्तार 100% बहुत सेकुलर होता था। देश के संस्थानों पर पहला हक उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों का बता दिया था, वो भी सेकुलरिज्म का बड़ा कार्ड था। लेकिन कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था का निर्वाह करे, कोई मुख्यमंत्री करे, तो तुष्टिकरण में डूबी यही ब्रिगेड, सेकुलर ब्रिगेड तिलमिला उठती है। याद कीजिए 11 मई 1951 का वो दिन जब सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम में ना जाने का अनुरोध कर डाला था। पंडित नेहरू की नजर में मंदिर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति का शामिल होने से समाज के एक वर्ग को बहुत गलत संदेश जाने की आशंका लग गई थी। यह भी विडंबना ही है कि सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाना पंडित नेहरू को गलत लग रहा था, लेकिन जिन अक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार ध्वस्त किया उनमें से कईयों के नाम पर देश की राजधानी में सड़क बनाई गई थी। सोचिए तुष्टिकरण के लिए कैसा एक तरफा खेल खेला गया, और देश के बहुसंख्यकों की आस्था पर निरंतर लगातार चोट की गई, उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा। आज तक यही बताया जाता है कि राम की आराधना करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है और दूसरे धर्म के लोगों का भला नहीं कर सकता, इसलिए बढ़ चढ़कर टोपी पहनने पहनाने का कल्चर हावी हो गया। लेकिन सच यह है कि सनातन धर्म इतना विशाल और विराट है कि उसे किसी का अधिकार छीनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। सनातन धर्म का मतलब सिर्फ मैं या मैं ही नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, यही नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सब एक ही परिवार का हिस्सा है, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। फिर भले ही सबके नाम, चेहरे, रंग, भाषा अलग हो, कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी कुछ इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। वो इशारा कर रहे हैं कि आस्था बेहद ही निजी विषय है, ना तो इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करना सही होगा और ना ही इस पर राजनीति होनी चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म धर्म नहीं है, एक विचार है, एक विचारधारा है, और जीवन जीने की पद्धति भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही।
नमस्कार।